यूनिटरी मेथड में बस यही होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूनिटरी मेथड ये है, ध्यान से सुनिएगा सारे सिक्स क्लास के बच्चे, कि कोई पांच या सात चीज की प्राइस दे रखी है, जैसे पांच चॉकलेट 100 रुपीज के हैं, तो 18 या 18 चॉकलेट कितने के होंगे, इसी तरह का कैलकुलेशन होता है, ग्राम को किलोग्राम ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे मैं कहूं कि कॉस्ट ऑफ सिक्स कैन चूज, डोंट टॉक, सिक्स कैन जूस की जो प्राइस है ₹200 है, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि फोर कैन जूस की प्राइस क्या होगी। ठीक है, इसके बुक से, अमन के बुक से टिक लगा लो आप लोग, और ये कुर्सी लाइन में लगाओ सीधी, थोड़ी जरा, अरे ये कुर्सी छोड़, लाइन लग, आराम से बैठो सारे कुछ। हाँ तो क्लियर है, आपने जैसा बताया। अब सबसे पहले एक केन का प्राइस ऑफ वन केन निकालेंगे, तो 210 कितने का है, चार केन का है, सॉरी ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, 2 3 6 ओके, 2 3 6 2 1 2 5 10 3 5 5 रेशियो भी निकाल लेंगे, तो मतलब ये हुआ एक सेकंड ऊपर, मेरा दिमाग है ना उधर चला गया, 210 है और नीचे 6 है, तो 2 3 6 2 1 2 ये दो डिजिट एक बार नहीं ले सकते, तो 0 लगाएंगे, फिर 2 5 6 3 1 3 3 3 9 एक इधर जाएगा, 3 5 15 तो हमारा ₹35 है। आप डिवाइड करके देख सकते हो, एक सेकेंड, ऐसे बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता होगा, आप सीधे यहाँ पर 6 लिखो, इधर 210 और डिवाइड कर लो, 6 3 18 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये कट गया, ठीक है, 11 3 6 5 30 बात खत्म। अब तो समझ में आया 35 कैसे आया, आया, अरे ये पता चला डिवाइड कैसे हो रहा है, बोल बेटे, ओके ना, वो लड़का क्यों नहीं आया, स्कूलिंग भेज दूं क्या, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एक एक केन का प्राइस 35 है, और हमें पता करना है 4 केन का, तो 35 × 4 इसका टू कितना हो जाएगा, 120 हो गया, 140 हो गया, फोर फाइव या 20 टू 40 या 12 और 2 40 अब समझ में आया कैसे बनेगा, हमको पहले 6 या 5 4 किसी का प्राइस दिया रहेगा, तो जो प्राइस है उसको ऊपर रखेंगे और जो नंबर ऑफ आइटम है उसको नीचे लिख के डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमको एक का पता चल जाएगा, उसके बाद जितना भी पूछा जाएगा वो आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे किया हमारा निकल जाएगा, यही यूनिटरी मेथड चलेगा हर जगह। हाँ बोलो, अगला क्वेश्चन देखना कि साइना पेज 750 रुपीज 7500 रुपीज एज रेंट फॉर 3। ठीक है, साइना क्या कर रही है, पेड दिया फॉर 3,
तीन महीने का किराया उसने दिया, ये इतना दिया? हाँ, 7500 7500 रुपए। मतलब ये रुपीस कर सकते हैं ना? ठीक है, अब कह रहा हाउ डज सी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम। ठीक है, अब देखो सिंपल के हिसाब से कहा जा रहा है कि तीन महीने का किराया उसने 7500 रुपए दिए हैं। ठीक है, तो 12 महीने का किराया मतलब एक साल का क्या होगा? 1500 रुपए एक महीने का हो गया। 1500 × 12 अभी उनको कैलकुलेट करके दिखा। तीन महीने का किराया है 7500 रुपए, तो एक महीने का निकालेंगे ना, तो एक महीने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 7500 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 0 × 0 आपको 2500, हाँ 25, एक सेकंड। अब मैं जिनको इस तरह नहीं आ रहा है उनको उस तरह सिखा दूंगा। देखो सुमित इधर यहाँ बैठ, चलो ये हमने लिया 3 और ये लिए बेटा 7500। अब ठीक है, 3 × 2 = 6, 1 आ जाएगा, ऊपर से हम 5 लेके आएंगे, 3 × 5 = 15, 0 0, यहाँ से 1 0 आया, नहीं छोटा हो गया, 1 0 लेंगे, फिर यहाँ 1 0, फिर यहाँ 1 0, तो 0 0 कट गया, 2500 रुपए आंसर आ गया। ठीक है, आप ऐसे डिवाइड करके देख लो या डायरेक्ट ऐसे कर, हमें पता चल गया कि एक महीने का किराया 2500 रुपए और हमसे एक साल का, एक साल में कितने महीने होते हैं जनक? जनक तुम बताओ, तुमसे पूछा मैंने, किसने बोला रे? ज्यादा ज्ञान नहीं हो क्या? अभी ज्ञान निकाल देंगे एक थप्पड़ में। कितने महीने होते हैं एक साल में? महीने मंथ कितने होते हैं तो बोलो ना। चलो ठीक है, तो ये रोने वाली बात नहीं, मैं भी हंस नहीं रहा। 2500 रुपए तो भैया 12 को 2500 से गुना कर दो। ठीक है, आप कर लो, मैं आपको एक तरीका सिखा दूं, जब भी ऐसा हो ना तो 10 वाला ले लो, 12 है तो 10 से कर दो, 10 का मतलब कि 1 0 और हो गया, हो गया। अब 2 और बढ़ाने हैं तो 25 दुना कितना होता है 50, मतलब 5000 प्लस 5000 करते हैं, बात करते 30,000 रुपए पूरा हो जाएगा। और जिनको थोड़ा दिक्कत है तो वहां देख लो, मल्टीप्लाई भी करके दिखा ले भाई। अब मान के चलते हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स लड्डू है, 2 × 0 = 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 × 1 = 5, 0 0 5 2, 0 0 0 10 3। अरे तुमको टेस्ट देना था, तुम लाइन बना रहे हो। अब आया समझ? ठीक, ये आंसर हो गया बेटा। मान लो कि जैसे 12 है ना, इसको 10, हम इसको क्या करेंगे ना कि 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 बढ़ जाता है। अब 2 × 2500 को 2 बार करेंगे तो 25 × 2 = 50, 5000, 2500 का डबल 5000 होता है, जितना है उसे 5000 प्लस कर देंगे। 3 0 कैसे आया? अरे 0 0 0 0 1, इसका एक जाएगा ना किस ऊपर वाले में, इसमें इसमें 2 0 0 2 0 0 2 5 10 नहीं करोगे? कमाल है यार, मैं तो सदमे में चला गया तुम लोगों का कैलकुलेशन। कहा जा रहा है द टेम्परेचर ड्रॉप 15 °C इन द लास्ट 30 days। टेम्परेचर जो है पिछले 30 दिनों में 15 डिग्री गिर गया माइनस। द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 days?
कहा जा रहा है 30 days में, है ना, इन रिसेंट और पास्ट 30 days टेम्परेचर जो है 15 degree डिक्रीज, ठीक है। तो अब अगर हम एक दिन का निकालें कि कितना डिग्री डिक्रीज हुआ है, और क्वेश्चन है कि अगर 10 दिनों तक भी सेम ही रहे, इसी तरह डिक्रीज होता रहे, डिक्रीजिंग रेट 10 दिन तक भी सेम है, डिक्रीज मतलब घटना, तापमान का घटना, जैसे आज 35 है तो कल 25 हो जाए, फिर अगले दिन ही भी मतलब इस तरह से घट जाए, 15 हो जाए, इस तरह से। हाँ, फ्रीजिंग होता है। तो अब हम करें टेम्परेचर ड्रॉप इन वन डे, एक दिन में कितना होगा, 15 degree डिक्रीज हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे इसको 30 से डिवाइड कर, ठीक है, मैं ही बताऊंगा, चिंता मत। एक दिन में 30 दिन में 15, तो एक दिन में क्या होगा, डिवाइड होगा ना, तब निकलेगा, डिवाइड करते थे ना हम लोग, ये है प्राइस चॉकलेट की कीमत, और ये है नंबर ऑफ चॉकलेट, तो नंबर ऑफ चॉकलेट से डिवाइड करेंगे तभी तो एक दिन का निकलेगा, क्या कैलकुलेशन में दिक्कत, एक दिन के तो, हाँ, एक बोल दो, बिल्कुल, हम लोग वो झंझट ही नहीं करेंगे, आप लोग मुंह बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा। दैट्स व्हाई टेम्परेचर ड्रॉप इन 10 डेज इक्वल टू 15 अपॉन 30 थानी, हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, काम खत्म। 10 3 जा 30, 3 5 जा 15 हो गया 5 degree एंसर। 10 दिन पूछा जा रहा ना कि अगर पिछले 30 दिनों में 15 डिग्री के हिसाब से टेम्परेचर घटा है, हर दिन 15 डिग्री, मैं बताऊंगा बेटे, क्वेश्चन फिर से सुनो, कोई बात, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30, पिछले 30 दिनों में जो टेम्परेचर है 15 डिग्री गिरा है, और ये जो रेट टेम्परेचर का है गिरने का, ये 10 दिनों तक भी इसी तरह सेम बना रहे, ठीक है, आगे भी इसी तरह बना रहे, तो आपको ये बताना है कि अगले 10 दिनों में कितना टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है। 30 दिनों में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट गया, तो हम एक दिन में पता लगा लेंगे डिवाइड करके। मैं एक और तरीका सिखा देता हूं, एक दिन का पता लगाने के लिए 1/2 हो गया, मेरी बात, मैंने बोला तुमको बोलने के लिए, जब तक ना कहा जाए बोलने के लिए जिप लगा लो, और नहीं है तो कहो मैं सुई ले रहा, एक दिन का 1/2 हो गया, हमको कितने दिन का जानना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 10 ऊपर हो जाएगा, नीचे 2, अगर ऐसे भी डिवाइड क्रॉस डिवाइड में भी आपके पेट में गुड़गुड़ होता है कुछ बच्चों के, तो अब 2 से 10 को काटेंगे ना, 2 5 जा 10 5 आंसर हो जाएगा। अब जैसे करना है करो, बस समझ में आई, किसको समझ में नहीं आई घबराओ मत, अभी पूछ लो बाद में ना बताऊंगा। 30 दिनों में टेम्परेचर 15 डिग्री गिर गया, तो एक दिन का निकालेंगे ना, मान लो इसको कि 30 चॉकलेट का कीमत है, सॉरी 30 चॉकलेट का कीमत है 15 रुपया, तो एक का निकालने के लिए क्या करते थे, जो चॉकलेट का प्राइस होता था उसको नंबर ऑफ चॉकलेट से डिवाइड करते थे ना, मारते थे उसको मुक्का, मारा मैंने मुक्का। आप अगर दिन में ये टेम्परेचर में कंफ्यूज हो तो कुछ भी दिमाग में रख लो, चॉकलेट रख लो, अच्छा समोसा लगता है चटपटा वो रख लो, झालमुड़ी रख लो, ठीक है, कट कर दिया, हमको ये एक दिन का निकल के मिल गया, और हमसे पूछा जा रहा है कि 10 दिनों का, तो ये 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व।
सर अगर मैं क्या हाँ ऊपर वो ना हमेशा रहेगा क्या पंद्रह तू जाए या पता नहीं क्या होता है जो भी है बेटे जिससे डिवाइड करते तो वही होगा ना और क्या होगा आ गया जी आगे देखो 72 बुक्स है ओके 72 बुक है 72 इसका जो वेट है वो है 9 kg का ना और कहा जा रहा है तो ऐसी अगर 40 बुक्स हो तो क्या प्राइस होगा देखो मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूं इस तरह के क्वेश्चन 9 kg वेट है ना 9 को रखेंगे ऊपर और 72 को रखेंगे नीचे और ये 40 को यहाँ करेंगे अब कर दीजिए 9 का टेबल 9 8 72 8 5 बिल्कुल बेटा किसने कह दिया कि नहीं सिखाई थी एंगल 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 क्या क्यों रखेंगे कुछ भी रख देंगे क्या गलत हो जाएगा आंसर फिर बेटे नीचे 8 आ गया था यहाँ 40 था तो क्रॉस डिवाइड भी कर सकते हैं ना और नहीं तो मैं मानता हूं कि मैं दुनिया के सबसे बड़े गधों को पढ़ा रहा हूं फिर देखो तो भैया 1 का हम निकाल लेते हैं पर 9 ऊपर है नीचे 78 हो गया 9 8 72 तो एक बुक की प्राइस 8 निकल गई निकली कितनी निकली एक निकली 1/8 सर हाँ 1/8 मैं भी कर रहा हूँ 1/8 निकल गई ठीक है 1/8 अब हमको 40 चाहिए तो 1/8 गुने 40 करेंगे ना तो ऊपर 40 एकम 40 और नीचे ये 8 अब 8 के टेबल में 40 आता है झलक तू केवल पढ़ते हो 8 के टेबल में पता है 40 आता है कि नहीं आता और कहां आता है कोई बोल मत देना ना तो मुंह तोड़ दूंगा किसी का मार दे मुंह पे कोई दिक्कत नहीं दांत टूट जाएगा दूसरा लगवा देंगे कितने बार में आता है 5 बार 8 5 4 ठीक है 40 5 kg है तो 72 बुक का 9 kg है ना भैया तो 40 बुक का 5 kg में क्या दिक्कत है तुम पागल है क्या